पीएम मोदी आज एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम में करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज। पीएम मोदी शाम को 4 बजे वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। पीएम मोदी 5 राज्यों में सूचना शिक्षा संचार वैन को वर्चुअली रवाना करेंगे, लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे। एमपी के सीएम मोहन यादव आज उज्जैन जाएंगे, विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। राजस्थान के सीएम का पदभार संभालते ही दिखा भजनलाल शर्मा का एक्शन, पेपर लीक मामले में एसआईटी के गठन का फैसला। सीएम भजनलाल ने कहा कि पेपर लीक के दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा और भविष्य में पेपर लीक ना हो इसके ये भी सुनिश्चित व्यवस्था की जाएगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने क्लियर की कि अपराध की प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। कहा कि अपराध रोकने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार नहीं सहन करेगी सरकार, कानून व्यवस्था होगी सरकार की प्राथमिकता। सीएम भजनलाल ने पीएम मोदी की गारंटी को पूरा करने का भरोसा दिया। कहा कि जनता को भ्रष्टाचार से मुक्ति दी जाए। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि पिछले 5 साल राजस्थान में विकास नहीं हुआ, जन जन तक विकास की गंगा बहाएंगे। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का पदभार संभालते ही गहलोत सरकार पर अटैक। कहा कि पिछली सरकार में जो करप्शन हुआ है अब उसे उजागर किया जाएगा। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने दी चेतावनी, कांग्रेस सरकार में पब्लिक का पैसा जिसने भी लूटा उनकी सरकार से छोड़ेगी नहीं। करोड़ों कैश की बरामदगी के मामले में पहली बार सामने आए कांग्रेस सांसद धीरज साहू। कहा कि सारा पैसा मेरे परिवार के लोगों और कंपनी का है। धीरज साहू ने सारा पैसा अपना होने से इनकार किया। कहा कि मैं बिजनेस लाइन में नहीं हूं, पैसों को लेकर मेरे परिवार के सदस्य जवाब देंगे। धीरज साहू ने आईटी रेड में मिले 353 करोड़ कैश पर भी जवाब दिया। शराब के कारोबार में कैश में ही लेन देन होता है, जांच के बाद पता चल जाएगा कि धन काला है या सफेद। धीरज साहू ने कहा कि रेड में मिले पैसे का कांग्रेस या किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मैं हर चीज का हिसाब दूंगा। झारखंड विधानसभा के बाहर बीजेपी ने किया धीरज साहू के खिलाफ प्रदर्शन, कैशकांड की सीबीआई जांच की मांग की। धीरज साहू के घर पर 9 दिनों से चल रही है आयकर विभाग की रेड खत्म, रांची और लोदरगा वाले घर से लौटी इनकम टैक्स की टीम। संसद की सुरक्षा में सेन की घटना का होगा रिक्रिएशन, स्पेशल सेल की टीम आज या फिर रविवार को कर सकती रिक्रिएट। आरोपियों के मोबाइल फोन के अवशेष की रिकवरी करेगी स्पेशल सेल, ललित झा को उस जगह लेकर जाएगी जहां पर उसने फोन जलाने का दावा किया है। संसद में सेंध लगाने वाले आरोपी ललित झा को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। पुलिस ने कहा कि ललित झा ने मास्टरमाइंड होने की बात कबूल की है। स्पेशल सेल ने कोर्ट में बताया कि सभी आरोपी मिलकर देश में अराजकता फैलाना चाहते थे, अवैध मांग के सामने सरकार को झुकाने की थी साजिश। ललित झा का सफदरजंग हॉस्पिटल में कराया गया मेडिकल चेकअप, स्पेशल सेल की टीम लेकर पहुंची। संसद में घुसपैठ को लेकर एक्शन में जांच एजेंसियां, लखनऊ में आरोपी सागर शर्मा के घर से मिली डायरी में हो सकते हैं साजिश के सबूत। सागर शर्मा ने डायरी में लिखा था कि घर से विदा लेने का समय आ गया है, एक तरफ डर भी है, दूसरी तरफ कुछ कर गुजरने की आग। सागर ने आग में डायरी में लिखा है कि 5 साल लंबा इंतजार किया है, एक दिन आएगा जब मैं अपने कर्तव्य की तरफ बढ़ूंगा। संसद घुसपैठ के लिए बनाए गए थे 2 प्लान, प्लान ए के तहत मनोरंजन सागर ने घुसपैठ की, प्लान बी के तहत अमोल और नीलम ने बाहर कलस्मोक छोड़ा। संसद की सुरक्षा में सेन पर दोनों सदनों में हंगामा जारी, लोकसभा और राज्यसभा सोमवार तक के लिए स्थगित। जब तक गृहमंत्री संसद में आकर बयान नहीं देंगे तब तक सदन चलने की संभावना बहुत कम, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का बयान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष जनता के मुद्दे नहीं उठाने देना चाहती, इसलिए सदन के अंदर ये हंगामा करते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकसभा स्पीकर ने सभी राजनीतिक दलों से सुधार के लिए सुझाव मांगे हैं तो फिर हंगामा क्यों। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जांच होने के बाद ही निर्णय होगा, बेवजह हंगामा कर रहे हैं विपक्षी सांसद। कांग्रेस पर भड़के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, कहा कि डूब मरो, बीजेपी ने कभी भी ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं की। निशिकांत ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल हो या सदन का सवाल, आज जो कांग्रेस और विपक्ष कर रहा है उसे शर्म आनी चाहिए। निशिकांत दुबे के ट्वीट पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि आपको रोक कौन रहा है, दोनों सदनों में आए और जनता के जवाब दें। संसद में सुरक्षा चूक पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि गृहमंत्री सभी सांसदों के सामने वक्तव्य दें, इसमें गलत क्या है। बेंगलुरु में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा की गिरफ्तारी की मांग। एमपी के सीएम मोहन यादव को पुलिस मुख्यालय में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक हुई। एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा कि नई शिक्षा नीति को लेकर जागरूकता फैलाना बेहद जरूरी। लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध को लेकर सीएम के फैसले पर एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि नियम पहले से हैं, बस उसे कड़ाई से पालन करना है। एमपी में नई सरकार के आदेश का असर, देवास में कई सार्वजनिक जगहों से लाउडस्पीकर हटाए गए। सभी लाउडस्पीकर नियमों को ताक पर रखकर लगाए गए थे, पुलिस प्रशासन ने हटवाए। एमपी में शाजापुर में जिला प्रशासन हुआ एक्टिव, मंदिर और मस्जिदों से लाउडस्पीकर निकालने का काम शुरू हुआ। नायब तहसीलदार के साथ नगर पालिका की टीम कई इलाकों में दौरा करने पहुंची, मंदिर और मस्जिद के ऊपर लगाए गए स्पीकर्स को हटाया गया। सरकार के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने सभी धर्म के लोगों को बुलाकर की थी बैठक, आदेश का पालन करने की बात कही थी। उज्जैन में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का काम शुरू, धार्मिक स्थलों के प्रमुखों ने स्वेच्छा से हटाए लाउडस्पीकर।
तय मानक के मुताबिक ही लगाए जाएंगे लाउडस्पीकर। एसपी के आदेश के बाद कई धर्मस्थलों से हटाए गए लाउडस्पीकर। एमपी के राजगढ़ में खुले में लग रही है मांस की मछली अंडे की दुकान का अतिक्रमण, नगर परिषद ने हटाया, जेसीबी मशीन से कार्रवाई हुई। प्रशासनिक अमले को देखकर कुछ दुकानदारों ने खुद अपना सामान हटाया, अवैध रूप से लग रही दुकानों पर ही हो रही कार्रवाई। भोपाल में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घायल को पहुंचाया अस्पताल, डिवाइडर से टकराने के बाद सड़क पर घायल पड़ा था युवक। शिवराज सिंह चौहान ने गाड़ी से उतरकर लोगों की मदद से युवक को उठाया, काफिले की कार से अस्पताल पहुंचाया। मदद के दौरान शिवराज सिंह चौहान के हाथ में खून लगा। शिवराज ने कहा कि खून बाद में साफ कर लूंगा, पहले घायल की मदद करो। गुजरात के सूरत को मिली बड़ी सौगात, सूरत को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिला। सूरत से हर रोज 2 इंटरनेशनल फ्लाइट भरेंगी उड़ान, हांगकांग और दुबई के लिए सीधी उड़ानें। पीएम मोदी 17 दिसंबर को सूरत के नए एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन, पीएम के दौरे से पहले तैयारियां पूरी। शरद पवार के विधायक भतीजे रोहित पवार का तंज, बोले कि अब महाराष्ट्र सरकार तीसरा सत्र गुजरात के अहमदाबाद में कराएगी। रोहित पवार ने महाराष्ट्र सरकार पर बोला हमला, महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट दूसरे राज्यों में ले जाने का आरोप लगाया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल देर रात पहुंची ललिता पार्क बस स्टैंड, महिला सुरक्षा के मद्देनजर जायजा लिया। मथुरा शाही ईदगाह मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक से इनकार, हाईकोर्ट ने दिया है ईदगाह में सर्वे का आदेश। महुआ मोइत्रा के लोकसभा से निष्कासन पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी को सुनवाई, टीएमसी नेता ने दाखिल की है याचिका। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, नवादा जल जीवन हरियाली अभियान के तहत गंगा वाटर सप्लाई का उद्घाटन किया। गुजरात के सूरत में स्वच्छता को लेकर 15 किलोमीटर लंबी बनाई गई मानव श्रृंखला, राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी शामिल हुए। झारखंड के खूंटी में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, सीएम हेमंत सोरेन कार्यक्रम में शामिल हुए भारी संख्या में पहुंचे लोग। पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में बीजेपी ने प्रतिज्ञा सभा का आयोजन किया, सतीश चंद्र सामंत के जन्मोत्सव पर आयोजन हुआ, शुभेंदु अधिकारी ने लोगों को संबोधित किया। केरल के मल्लापुरम में सड़क हादसा, 5 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, हादसे में कई लोग घायल। तीर्थयात्रियों को सबरीमला ले जा रही बस रास्ते में ऑटो में हुई टक्कर, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में चेन्नई कोलकाता नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा, पुलिस की टीम ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। तमिलनाडु के नीलगिरी पहुंचे मंत्री एवी वेलु, नीलगिरी में हुए लैंडस्लाइड वाले इलाके का जायजा लिया। लैंडस्लाइड में कोथीगिरी से मेट्टुपलायम रोड पर हुआ था तबाह, मंत्री वेलु ने राहत कार्यों का भी जायजा लिया। पंजाब के तरन तारण में स्पेशल सेल ने 500 ग्राम हेरोइन पकड़ा, अब पुलिस कर रही है मामले में छानबीन। आंध्र प्रदेश के सत्यसाई जिले में पुलिस की कार्रवाई, 100 किलो से अधिक कैनबीज बरामद हुई है, पुलिस ने ट्रक को जब्त भी किया। चेन्नई में महिला आईटी कर्मचारी से लूट की कोशिश, बदमाश ने महिला को जमीन पर गिराकर मारपीट की, महिला भागने में हुई कामयाब। एनआईए ने पीएलएफआई के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया, सेना की वर्दी हथियार गोला बारूद भी जब्त की। यूपी एटीएस ने एमयू के छात्र फैजान और अब्दुल पर 25,000 का इनाम घोषित किया, एटीएस का दावा दोनों आईएसआई की विचारधारा से प्रभावित। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिल्ली के 3 जगहों पर वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया, बसंत विहार, अलकनंदा और रोहिणी सेक्टर 16 में खोला गया। यूक्रेन के जाकपिया क्षेत्र में एक ग्राम परिषद की बैठक में एक डिप्टी ने किया ग्रेनेड से हमला, एक के बाद एक 2 ग्रेनेड फेंके। बम धमाकों के बाद बैठक में मची अफरा तफरी, किसी को भागने का मौका तक नहीं मिला। धमाके में हमला करने वाले डिप्टी की हुई मौत, बैठक में मौजूद 26 लोग घायल हुए, 6 की हालत गंभीर। इजरायली सेना ने माना गाजा पट्टी में आईडीएफ की जमीनी कार्रवाई के दौरान गलती से मारे गए 3 इजरायली बंधक। इजरायली सेना के प्रवक्ता के मुताबिक अभी यह साफ नहीं है कि तीनों इजरायली बंधक हमास की कैद से भागने में कामयाब हो गए थे या उन्हें छोड़ दिया गया था। गाजा के खान यूनिस खान में इजरायली हमले में एक पत्रकार की मौत, जबकि एक कैमरामैन बुरी तरह से जख्मी हुआ। इजरायली सेना का गाजा पट्टी पर लगातार हवाई हमला जारी, गाजा के आसमान में छाया काला धुआं। गाजा पट्टी से हमास का इसराइल पर जवाबी हमला, बरकरार, आसमान में कई रॉकेट दागे गए। गाजा के खान यूनिस पर इजरायली एयरफोर्स ने हमला किया, कई जगहों पर किया जबरदस्त बमबारी। इजरायली एयर स्ट्राइक और शेलिंग में कम से कम 10 लोगों के मारे जाने की खबर, कई लोग घायल हुए। इजरायली हमले में ज्यादातर बच्चे घायल, खान यूनिस के नासिर अस्पताल में भर्ती। गाजा पट्टी में अब तक 18,700 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हुई है, इसराइल और हमास के बीच 10 हफ्ते से जारी है जंग। इजरायली सेना ने लबनान पर किया एयर स्ट्राइक, हिजबुल्ला के ठिकानों पर दागे बम। इजरायली सेना ने उत्तरी सीमा के पास शुरू किया युद्धाभ्यास, रिजर्व सैनिकों को असली जंग के हालात में दी गई ट्रेनिंग। अमेरिका सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की, इसराइल हमास जंग के हालात पर चर्चा की। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर के पार पहुंचा, 2 अरब 81 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 606 अरब 85 करोड़ डॉलर का हुआ है, आरबीआई ने जारी की 8 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन अरविंद पनगरिया का दावा, भारतीय अर्थव्यवस्था 2026 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी।
चीनी उद्योग को सरकार ने दी बड़ी राहत, एथलॉन बनाने के लिए गन्ने के रस और बी हेवी शीरा दोनों के इस्तेमाल को मंजूरी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम जोहान्सबर्ग पहुंची, खिलाड़ियों ने नेट पे पसीना बहाया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 17 दिसंबर से शुरू होगी वनडे सीरीज, केएल राहुल की कैप्टेंसी में उतरेगी टीम इंडिया। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज डेविड मिलर का बड़ा बयान, कहा कि सूर्या के लिए गेंदबाजी और फील्डिंग सेट करना मुश्किल। मुंबई इंडियन का बड़ा ऐलान, आईपीएल 2024 के लिए हार्दिक पांड्या होंगे टीम के कैप्टन। धोनी की नंबर 7 जर्सी रिटायर्ड से सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर, 2017 में सचिन की जर्सी भी हुई थी रिटायर। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में धोनी के योगदान को देखकर हुआ फैसला। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्रिकेट में धोनी के योगदान को सराहा, कहा कि भविष्य में खिलाड़ी और अच्छा प्रदर्शन करेंगे।